ਸਾਡਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਫੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ बापू दक्षिण में भी वही हाल है। अंग्रेजों ने स्वतंत्र सेनानियों को बंदी बनाकर रख लिया है। चिंता मत कर, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? कोई जुलूस दिखाई देता है। नहीं बा, ये जुलूस नहीं है। तो फिर ये लोग कौन है? ये देवी के भक्त है। राखो भाई, हम फिर भी नाखो। हाँ काली माता के मंदिर जा रहे हैं। और यह मोटा ताजा फूलों के हार से सजा हुआ बकरा किस लिए है? ये देवी की बलि के लिए है। हाय राम, ये कैसे भक्त है जो भोले पशु को मारने के लिए ले जा रहे हैं? इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है? क्यों भाई, तुम पशु का बलिदान क्यों करते हो? इससे देवी प्रसन्न होती है। और देवी के प्रसन्न होने से क्या होता है? देवी के प्रसन्न होने से हमारे रोग मिटते हैं, गरीबी दूर होती है और गांव में सुख शांति बनी रहती है। अच्छा भाई, एक बात पूछूं? पूछिए बापू। बताओ, पशु से मनुष्य श्रेष्ठ है या नहीं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तो आज हम मनुष्य का ही बलिदान देंगे। मनुष्य का? पर बलिदान के लिए मनुष्य मिलेगा कहाँ से? क्यों, गांव की प्रसन्नता के लिए, देवी की प्रसन्नता के लिए तुम में से कोई एक भी अपना बलिदान नहीं दे सकता? अच्छा चलो, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। हे राम, आप क्या कह रहे हैं? हमने पाप कैसे कर सकते हैं? पाप? जब मेरा बलिदान पाप है तो इस भोले जीव का बलिदान पाप है या नहीं? हम लोग सचमुच में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। आओ भाई, देवी की पूजा करो, फल फूल चढ़ाओ, वह प्रसन्न होगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। गांव में सफाई रखो, रोग दूर होंगे। मिल जुल कर काम करो, गरीबी दूर होगी। वह देखो, देवी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही। काली माता की जय। माता दादी की जय। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को सब मंगल पूजा मंगल है दादाजी।
कुशल मंगल का है ना? सब कुशल मंगल है। तबियत का ठीक है ना चाचा? बेटा बिल्कुल ठीक है। और सुनाओ कारोबार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है चाचा जी। अभी अभी सब कुशल मंगल ठीक है भाभी जी। ठीक है बेटा और समेट लेना।